हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं एकदम मस्त हूँ भाई, मजे में। तो अभी हो चुका है भाई सनराइज, अभी सुबह के बजे हुए 7। तो काफ़ी प्यारा दिन निकला है आज, क्योंकि धूप के साथ निकला है, ठंड इतनी ज़्यादा है नहीं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है छत पर घूमने में। वो एक चीज़ देखिए, ये देखो तो आज मैं कहीं जाने का प्लान लगा रहा हूँ, बट मेरे को लगता नहीं है मैं कहीं जा पाऊँगा, क्योंकि यार घर वाले जाने ही नहीं देते, वरना मेरा जाने का प्लान है भाई कहीं पे। हाँ तो अभी मैं आया हूँ भाई दो कामों से छत पर, एक तो मॉर्निंग की क्लिप लेने के लिए ब्लॉग की, और दूसरा ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा रखा है, तो यहाँ पे अच्छी स्पीड आती है इसलिए। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ। तो फिर से सोसा के ऊपर आया हूँ छत पर, और वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दी है, तो बहुत टाइम हो गया है भाई, दोबारा सो गया, पता नहीं क्या परेशानी सी आ रही है, थकान सी, काफ़ी धूप निकली हुई है, तो पसीना भी आ गई भाई। अब जाता हूँ नीचे, फिर कुछ करते हैं, ओके। तो अभी मैंने डिसाइड किया है नहाने का, तो अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। तो नहाने कर हो चुका हूँ फ्री, और बालों में दे लिया है सरसों का मचक का तेल, मतलब बहुत सारा तेल दे लिया है, तो पता नहीं कैसे बाल हो रहे हैं चिपचिपे से। तो अभी खा लेता हूँ मैं खाना, तो ये ले लिया भाई थाली में खाना, अभी खा लेता हूँ, क्योंकि अभी बच चुके हैं 1, तो काफ़ी भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया आज इसलिए। तो अभी जस्ट खाना खाया है, खाना खा के फ्री हुआ हूँ, तो अभी कुछ लेके आना है तेजाब की बोतल, तो उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये ले आया मैं भाई तेजाब की बोतल, अभी पहुंच रहा हूँ कमरे पर। तो ये आ गया भाई कमरे पर, और अभी है फ़ोन चलाने का टाइम, तो अभी फ़ोन चला लेता हूँ थोड़ा सा, फिर सोऊंगा आज, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा सोता हूँ मैं रात से, सुबह बहुत लेट तक जगता हूँ इसलिए। हाँ बोल, क्या चाहिए? तो थोड़ी पहले ही जग कर उठा हूँ भाई, और अभी इसको खिला रहा हूँ, सो गई है सर्दी में ये वैसे भी। तो मैं आ चुका हूँ भाई छत पर, और अभी टाइम हो चुका है 4:45-46 के समथिंग हो गया होगा, अभी देखा है तो 47 हो गई होगी लास्ट। तो भाई अंदर ठंड लग रही थी इसलिए ऊपर आ गया मैं, मुझे काफ़ी ठंड लगती है सही बताऊँ तो सूर्य अभी डूबने वाला है, बट इसकी किरणें अभी मेरे तक आ रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई बहुत ही। तो भाई आपसे एक बात शेयर करनी है भाई, मेरे पास वाले कमरे में जो दीदी रहती है ना, वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है, तो मैं उसकी लिंक आपको डाल दूँगा मेरे चैनल पर, तो उसको फुल सपोर्ट करना भाई, क्योंकि अभी वो नई है तो उसे इतना आता नहीं, बट तुम अगर सपोर्ट करोगे अपना प्यार दिखाओगे तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा, तो अपने आप सीख जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी नहीं जानता था बट अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, इतना तो मेरे पे भी नहीं आता बट सीख रहा हूँ धीरे धीरे, काफ़ी मैंने भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है अपने आप में, तो ऐसे ही वो सीख जाएगी। तो जो भी भाई है मेरे, दिल से सपोर्ट करना, अपन तो सबको सपोर्ट करेंगे भाई। देख तो आपसे इतनी सी गुजारिश है भाई कि उसे सपोर्ट कर देना। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बिकॉज सब्ज़ी लेने जाना है मुझे बाज़ार, और अभी अंधेरा हो जाएगा तो फिर ठंड ज़्यादा पड़ेगी ना इसलिए, बिकॉज सब्ज़ी बीत गई है ना, अब काफ़ी दिन हो गए हैं लाए हुए इसलिए, और ज़्यादा देर तक मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ सकता भाई, क्योंकि हाथ दुख रहा है बहुत ज़्यादा। तो हाँ ये सही है ना, तो अभी जाता हूँ भाई, और आप तो भाई तेल इतना दे लिया सरसों का, जो पता नहीं बालों का क्या ही हाल हो रहा है, टूटते हैं यार सही बताऊँ तो, पता नहीं यार कोई दवाई ववाई हो तो बताना भाई, देसी नुस्खे हो वो भी बता देना, मैंने काफ़ी पूछा है, मेरा एक भाई है उससे भी गुरुजी है, और भी काफ़ी लोगों से पूछा है, बट भाई रुके नहीं है, बिल्कुल बंजर हो गया है, बंजर मानो तो टकली निकलती जा रही है, एक फ्रेंड है उसकी तरह। तो अभी तो भाई मैं जाता हूँ, काफ़ी वासन हो गए मेरे। हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना भाई, सपोर्ट करना है सभी को दिल से, अपनी सिस्टर है वो, ओके। चल चुका हूँ बाजार के लिए, अपना कोट वोट ढाल ढूल के, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ।
सब्जी वब्जी खरीद के लानी है, आपको बता दिया मैंने। मैंने खरीद लिया भाई सब्जी वब्जी, बैग लेके नहीं आया आज बिकॉज एक आदमी बोल रहा है बस बस बहुत है, बैग में मेरे कपड़े रखे हुए थे सारे इसलिए नहीं लेके आया मैं। तो भाई अभी पोपट हो गया है, मेरे को अमरूद चाहिए और अमरूद नहीं मिल रहे बाजार में, तो काफी दूर जाना पड़ेगा तो जा रहा हूँ भाई। भाई काफी ढूंढने के बाद फाइनली अमरूद मिल गए हैं मेरे को, अभी पहुंच रहा हूं मैं, काफी शर्म लग रही है सीधा हूँ। तो फाइनली तो चाउमीन खा पी के मैंने चुप पड़ा लग रहा है, ज्यादा चुप रही थी भाई। बताऊं आपको मैं क्या है कि मैं से ये डब्बे रखे है ना, डब्बे नहीं इंजन रखे हुए है, ऐसे दिन मैं क्रॉस कर रहा था इनको, तो इनको क्रॉस करके जो पटरी आती है ना नेक्स्ट वाली, उस पे भाई रेलगाड़ी आ गई, मैं कटे कटे बचा भाई सच्चे में। अब से सावधान रहता हूँ भाई बहुत ज्यादा। तो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है, बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ और वीडियो भी एडिट कर ली है क्योंकि टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं भाई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सभी।